रही है, डिविडेंड के लिए बोर्ड बैठक भी करने वाला है, तो उसकी तरफ से थोड़ा बाजार में एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा है इसके लिए। सोमित जी, हिंदुस्तान जिंक पर भी जरा राय देने एक बार, 319 का लेवल इस समय सर। दीपांशु, हिंदुस्तान जिंक मेरे को मजबूत लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक करेक्शन के बाद, साइडवेज मूव के बाद, अभी ऊपर का मूव का शुरुआत कर रहा है और आने वाले दिनों में 330 का लेवल ब्रेक करेगा और 350 रुपए तक का मूव ऊपर में दिखाएगा। जिन्होंने पोजीशंस लिया है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे खरीदारी भी कर सकते हैं। 330 का इमीडिएट टारगेट होगा, 350 का दूसरा टारगेट होगा। ओके, 330 और 350 के दो टारगेट्स के लिए हिंदुस्तान जिंक यहां पर आप रख सकते हैं नजर।